हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, उसका बेसिक बताया था हमने। तो अब आगे देखिए सातवां क्वेश्चन में बोला गया है, एक वर्ता का खेत में 24 रुपए की दर से बाड़ लगाने का जो व्यय है, बाड़ लगाने की जो दर है वो 24 रुपए है, 24 रुपए प्रति मीटर, ठीक है। और कुल व्यय है अपने पास 5280 रुपये, कुल कितना है 5280 रुपये। तो अपने को बाड़ की लंबाई पूछी है, तो पहले बाड़ की लंबाई निकालें। कुल व्यय बटा दर, तो कुल व्यय है 5280 बटा 20, 24 का पूरा भाग जाएगा। अब वो भी कितनी बार, 220 बार। अब 220 मीटर आया तो 220 बार लगा रहा है, तो वृत्त की परिधि मिली अपने को, ये वृत्त की परिधि बराबर 220, तो वृत्त की परिधि क्या हो गई, 2πr बराबर 220, तो त्रिज्या मिली 220 बटे 2 गुना 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कटा 10 बार, 2 से 10 कटा 5 बार, तो त्रिज्या मिली हमें को 35 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है कि अगर बाड़ लगाने का जो खर्चा है वो 0.50 प्रति मीटर पर लग रहा है, तो वर्ग मीटर पर लग रहा है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 22/7 त्रिज्या है 35 गुना 35, 7 से 35 घटा 5 बार, ये 110, ये 35, 11 को जब हमने गुणा किया 11 5 55, 33 5 38, तो 3850 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बाड़ लगाने की जो दर है वो 0.50 रुपये है, तो प्रति मीटर स्क्वायर है, तो खेत जुताई में लगावे 3850 को 0.50 से गुणा करें, तो एक तरीके से 3850 गुणा 0.50 को जब हम गुणा करेंगे तो 1925 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 1925 रुपये। क्यों, क्योंकि दशमलव से दोनों जीरो हट जाएंगे, तो 385 को 5 से गुणा करके देख लो, 25 40 2 42 15 4 19, तो 1925 रुपये आ गए। फिर से देखें, बाड़ लगाने का जो व्यय है वो अपने पास कितना है, 24 रुपये है, और कुल व्यय है 5280, तो बाड़ की लंबाई है कुल व्यय बटा दर, अर्थात 5280 में हमने 24 का भाग लगाया, तो 24 का भाग लगाने पर 220 आया अपना इसका, तो 220 आए तो वृत्त की परिधि 220 हो गई, तो 2πr 220, तो त्रिज्या कितने हो गए, 220 बटा 2 गुणा 22 बटे 7, तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 22 से 220 कटा कितनी बार, 10 बार, 2 से 10 काटा हमने तो 5 बार गया, त्रिज्या आ गई 35, त्रिज्या 35 आने पर वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr स्क्वायर, और वैल्यू रख देंगे तो 7 से 35 कटा 5 बार, गुणा करेंगे तो 3850 आएगा। अब खर्चा बता रहा है 0.50 प्रति मीटर स्क्वायर पर, और उसको उससे क्या कर देंगे, गुणा। अब 15.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखें, 15.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आठ में बोला गया है, जैसे ये एक वृत्त है और यहां से लेके ये त्रिज्या बताइए 35, और मार्ग की जो चौड़ाई है वो 7 मीटर है, कितने मीटर है, 7 मीटर, तो यहां से लेकर यहां तक पूरी कितनी हो गई, 42 मीटर, ठीक है। वृत्त के बाह्य भाग की त्रिज्या 35 + 7 42 मीटर, और आंतरिक त्रिज्या
35 मीटर, तो सेकेंडरी वृत्त है तो सीधा सेकेंडरी वृत्त का सूत्र लगा लो, सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल, और सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये होता है। अब इसमें वैल्यू रख दो, पाई का मान 22/7, 42 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर। जब 42 का स्क्वायर करोगे तो 1764 आएगा और 35 को गुणा करोगे तो 1225 आएगा। 42 का स्क्वायर करोगे, 42 × 42 तो 1764, 35 को 35 से गुणा करोगे तो 1225, 22/7 गुना 14 में से 5 गए 9, 5 में से 2 गए 3 और 7 में से 2 गए तो 5, तो ये आएगा 7 × 7 = 49, वही वापिस 4 बचेंगे 77, तो 22/7 = 154, 22/7 = 154, 154 में 15 जोड़ेंगे तो 169 आएगा, तो 1694 मीटर स्क्वायर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 1694 मीटर स्क्वायर आएगा। हमारे यहाँ पे जो एक्सरसाइज जो है 15.1 वो यहाँ कंप्लीट होती है, तो यहाँ मैंने बता दिया है कि वृत्त की परिधि का जो सवाल है, यहाँ सिर्फ एक ही फॉर्मेट चला है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल पे पूरे सवाल चले हैं, तो 15.1 के मैंने पूरे एक्सरसाइज बता दिए। दोबारा से देख लें 8 का क्वेश्चन 1, तो वृत्त के बाएं भाग की त्रिज्या 35 + 7 हो जाएगा क्योंकि मार्ग की चौड़ाई 7 है, तो यहाँ 35 और ये 7 हो जुड़ जाएगा तो 42 हुआ कि नहीं हुआ। फिर आंतरिक त्रिज्या 35 है, तो आंतरिक त्रिज्या 35 है तो सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल लगा देंगे पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, तो आर की त्रिज्या थी अपने पास 42, 35 का स्क्वायर कर देंगे तो 1764 और ये 1225, माइनस करेंगे तो 539 आएगा, 7 का बार लगाएंगे तो 77 आएगा और गुणा कर देंगे फिर अपन। 15.1 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई अपने यहाँ। अब नया टॉपिक है आपके लिए, 15.2 का पूरा प्रोसेस नया आपके लिए, तो देखें तो इसका जो पहला क्वेश्चन है मैंने सूत्र बता दिए, एक तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगना है, तो त्रिज्या खंड में देखें क्या होगा, एक वृत्त की त्रिज्या 7 है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और उसके केंद्र पर अंतित कोण कितना है, 60 डिग्री का है, मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करें, चाप की लंबाई लेंथ ऑफ दी आर की ज्ञात करना अपने को, तो चाप की लंबाई का सूत्र मैंने बताया था आपको 2πr θ/360 या πr θ/180 भी बोल सकते हो, तो वैल्यू रख दो 22/7 त्रिज्या 7 थीटा का मान 60/180, 60 से 180 कट रहा है 3 बार और 7 से 7 कट रहा है, 3 × 7 = 21 बचेंगे 1 तो 10 हो जाएगा, 3 × 9 तो वापस क्या बचेगा 1 बचेगा, 3 × 9 तो लगभग आएगा अपना 7.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। वृत्त की त्रिज्या 7 है, थीटा का मान 60 है, चाप की लंबाई का सूत्र मैंने बता दिया आपको 2πr θ/360 या πr θ/180 भी बोल सकते हो, मान रखा 7 से 7 कैंसिल, 60 से 180 कैंसिल कितनी बार 3 बार, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 22 का भाग जो हम 3 बार लगाएंगे तो कितना आएगा 7.33 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगला है दूसरा, वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या 10.5 है और थीटा का जो मान आंतरिक कोण है वो 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री, तो इसने पूछा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, सेक्टर का फॉर्मेट ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ये होता है, पाई का मान रख दो 22/7, त्रिज्या है 10.5 × 10.5, थीटा का मान 45/360, 45 × 360 कट रहा है 8 बार पूरा और 7 से 10.5 कट रहा है 1.5 बार, 15 × 30
15 दुनी 30, 30 और 3 33, 33.0। और एक सेकंड रुको, थोड़ा सा कैलकुलेशन में और थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं। इसको 2 से और काट लो, 2 से 8 और यहाँ पे 11, 11 5 55, 11 5 16, तो 16.5 गुना 10.5 और बटे 4। अब इसमें 16.5 और 10.5 को हम क्या कर लेंगे, गुणा करेंगे। तो देखें 165 को 105 से गुणा करेंगे, 82, 5 6 1, 5 2 10 7 1, तो यह आया अपने पास 170 25। 4 से बाहर लगाएंगे, 4 चौक 16, बचा 10, 4 दुनी 8, 4 दुनी 8, 2 बचे 4 5 20, 4 6 24, तो मतलब 42.5625 उत्तर इसका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, बचा 1। फिर से देख लें, वह गुणा और देख लें इसका, 5 को 5 से गुणा 25, 2 आए 30 2 32, 5 3 8, फिर एक रोज लगाए 5 8 5 13, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, 8 5 13 होंगे, 173 आएगा यहाँ, सॉरी 173 आएगा, तो यहाँ 3 आएगा, 4 चौक 16, 4 3 12, फिर वापिस 4 3 12, तो यहाँ आ जाएगा 1, तो 43.31 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। फिर से देखें, वृत्त की त्रिज्या 10.5, थीटा 45, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, हमने पाई की वैल्यू रख दी 22/7, 10.5 गुणा 10.5, 45/360, 45 से 360 कट रहा 8 बार, काट दिया, फिर 8 और 22 को मैंने 2 के बाड़े से काटा 4 और यहाँ पे 11, फिर 7 से 10.5 कटा 1.5 बार, तो 11 को 1.5 से गुणा किया तो 16.5, ये 10.5, इसको जब मैंने इससे गुणा किया तो 173.25 आए, दसमलव कितने अंक पे, 1 और 1 2, तो 2 पे चला गया, 4 का भाग जब हम इसमें लगाएंगे तो 43.31 इसका आंसर आएगा अपने पास। ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, दो क्वेश्चन हो गए अपने पास, फर्स्ट कर लिया सेकंड कर लिया, अब इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन छोटा सा इजी से सवाल है, चाप की लंबाई दे रखी 12, चाप की लंबाई है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 7, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 एल गुणा आर, एल होता है चाप की लंबाई और त्रिज्या अपने पास सही 1/2, एल है 12, त्रिज्या है 7, 2 से 12 कटा 6 बार, 6 को 7 से गुणा किया तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा देखिए, फिर से चाप की लंबाई 12 है, त्रिज्या 7 है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 1/2 एल गुणा आर, तो 1/2 एल की वैल्यू 12 थी, 2 से 12 कटा 6 बार, 6 को 7 से गुणा किया तो 42 आया अपने पास। यहां अपने पास 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, चौथा क्वेश्चन है वो देखें। चौथे क्वेश्चन में यह बोला गया है, जब त्रिज्या 21 हो, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान 60, थीटा का मान 60 मतलब चाप के केंद्र पर अंतर्गत कोण। अब इसमें 3 फॉर्मेट पूछे, चाप की लंबाई का पूछे, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया त्रिज्या खंड का, और आखिरी जो पूछा गया है वो वृत्तखंड का पूछा गया है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 3 फॉर्मेट पूछे अपने से, तो तीनों देखें, त्रिज्या 21 है और थीटा का मान 60 है, तो चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, ये 3 चीजें पूछी हैं। तो देखें, पहला ले लेते हैं चाप की लंबाई,
चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360, तो 2 गुना 22 बटे 7 गुना तीजा का मान 21, थीटा का मान 60 बटे 360। 60 से 360 कटा 6 बार, 7 से 21 कटा 3 बार, और 3 दूनी 6 होते हैं तो 6 से ये 6 कैंसिल, तो पूरा पूरा कितना है अपने पास 22 सेंटीमीटर। फिर से देखें, 2 गुना 22 बटे 7 गुना 21 गुना 60 बटे 360, 60 से 360 कटा 6 बार, 7 से 21 कटा 3 बार, 3 दूनी 6 होते हैं तो 6 से पूरा 6 कैंसिल, तो 22 आ गया। अब इसका दूसरा ऑप्शन देखें, तीसरे खंड का क्षेत्रफल, और तीसरे खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। मानक देते हैं 22 बटे 7 21 गुना 21 गुना थीटा का मान 60 बटे 360, 60 से 360 तो कट जाएगा 6 बार, 7 से 21 कटेगा 3 बार, 3 से 6 कटा 2 बार, 2 से 22 कटा 11 बार, और गुणा करोगे तो 231 आएंगे, 11 एकम 11 11 दो 22 22 और 1 23, ये लीजिए। फिर से देखें 22 बटे 7 गुणा 21 गुना 21 गुना 60 बटे 360, 7 से 21 कटा 3 बार, 60 से 360 कटा 6 बार, 3 का भाग 6 में लगा 2 बार जाएगा, 2 से 22 कटा 11 बार, तो 11 को 21 से गुणा करोगे तो 231 सेंटीमीटर आएगा। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा, ये होता है फॉर्मूला। इसका तो आपने अभी जस्ट निकाला, ये कितना 231 आया था, ये रहा देखो, माइनस इसकी त्रिज्या 21 गुना 21 बटे 2 और साइन 60, साइन 60 का मान 21 को 21 से गुणा करोगे तो 441 बटे 2, साइन 60 का मान अंडर 3 बटे 2 होता है, तो 231 माइनस 441 अंडर 3 बटे 2 दुनी 4। अब चाहो तो आप इसको यहां तक भी छोड़ सकते हो और आगे हल करना चाहो तो अंडर 3 की वैल्यू होती है 1.732 लेना आपको, यहाँ पे अंडर 3 की वैल्यू 1.732 लेना है तो अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, 4 लघुतम लोगे, 4 से इसको गुणा करोगे, इधर अंडर 3 की वैल्यू 1.732 लेनी है और घटाना है, फिर जो भी आंसर आएगा वो अपना क्या आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर से देखें इसी फॉर्मेट को, चाप की लंबाई बता दी मैंने, तीसरे खंड का बता दिया, वृत्तखंड का देखें पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। अब यहाँ सीधा सीधा बताया, हमने जस्ट तीसरे खंड का क्षेत्रफल कितना निकाला था अभी, 231 निकाला था, तो 231 तो हमने लिख दिया, और इसकी वैल्यू आर स्क्वायर बटे 2 थी, इसकी वैल्यू हमने 21 गुना 21 बटा 2 लिखा गुना साइन 60, और 21 को 21 से गुणा किया तो 441 बटे 2 और साइन 60 का मान अंडर 3 बटे 2, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया। अगर आप इसको और आगे हल करना चाहते हो तो अंडर 3 की वैल्यू 1.732 होती है और 4 को हम इससे 231 से गुणा कर देंगे, लघुतम लेकर के घटा देंगे। हमने यहाँ पे 15.2 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए, 4, तो उससे आगे हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।